गुड मॉर्निंग पचमढ़ी। ये पचमढ़ी का हमारा लास्ट दिन, और वो नहीं पता लेकिन लास्ट दिन है। एपिसोड कितने बनने वाले हैं अभी तक के कुछ एडिटिंग नहीं हुई, सब फुटे थोड़ा भी नहीं धुला है। ब्रश कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं। सेट, और हमारा कैमरा भी यहाँ सेट। वेल माय फ्रेंड, अब हमारा रूम छोड़ने का वक्त आ चुका है, और ये देखो बोरिया बिस्तर हम बांध चुके हैं, और पूरा रूम हमने साफ करा है। पूरा रूम कहीं बचा नहीं, झाड़ू रहते तो झाड़ू भी, झाड़ू रहता तो झाड़ू भी देते। बाकी भी देखो, ये सिस्टम बाहर की मॉर्निंग वाइब ऐसी है, एकदम सवेरे 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 सवेरे। ये अलग अलग रूम हर प्रकार हेलमेट की, जहाँ देखो वहाँ तारीफ होती है। देखो ये ऐसा हेलमेट दिखता है, एक हेलमेट नीला वाला, एक हेलमेट ब्लैक वाला, जे लंबी टांगे दिखती है आते। भैया को बता देते ना, सुबह का नाश्ता पोहा, इधर पोहा। अभी लाइन जो बोल रहे, फिर से बोलना बोलना, मीडियम ब्लॉक्स को अनसब्सक्राइब मारना है ना। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं चर्च, ब्रिटिश के जमाने की चर्च, और ये कहीं ना कहीं रास्ते में ही पड़ जाती है। आते जाते अगर दो तीन बार सफर इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर अगर करते हैं तो ये चर्च देखने को मिल जाती है। और चर्च के अंदर घुसना बहुत आसान है, ये गेट से ही घुसना है। उस टाइम की कांच की है कि पता नहीं, उस टाइम की कांच की है। ये पत्थर खिड़की, खिड़की भी पत्थर का ही है, पत्थर ही पत्थर है। और हाथों की डिज़ाइन उस टाइम भी हुआ कर, ये खिड़की, ये डिज़ाइन, और ये आजकल तो यहाँ ढक दिए हैं, पहले कहाँ से ढकते होंगे। आजकल यहाँ खिड़की से कोई घुसे ना, कोई दिक्कत ना करे, इसलिए फेंसिंग लगी हुई है। बहुत मतलब अच्छा चर्च है। और जहाँ तक कि ये पचमढ़ी का ही है, बिल्कुल सेंटर आम का झाड़ लगा है, यहाँ से भी कोई अंदर एंटर ना करे करके। चलो मैं मेरे पेट के साथ यहाँ से निकलने के लिए तैयार हूँ। गाइड है तो गाइड ही तो बोल रहे हैं, गाइड हो गए क्या बताते हो यार, दिखाते हैं दिखाएंगे सब तो देख लिया यार, हमारा पूरा देख लिया, बच्चा कछु नहीं हमारे लिए। क्या प्राइस रहता है यार, आपको दो पॉइंट और दिखा दें, मगर आउट में कहाँ से आया, इसलिए पूछ रहे हैं कितना क्या चार्ज ले रहे हो आप लोग। 600 रुपए लेगा, 600 रुपए लेते हैं एक दिन का। 600 एक दिन का, ठीक ठीक चलो। भोपाल लिखा है, खंडवा लिखा है, 202 खंडवा गए। हाँ खंडवा गया हूँ कई बार भाई। गार्डन पीछे साइड है, वो देखो वो उसके उस साइड है गार्डन। साथ से तरह क्या, सीधा चलो सीधा चलो, वो होटल के पास खड़ी हो जाएंगी गाड़ी अंदर साइड से घूम के। और यही वो छोटी छोटी गाड़ियाँ भी ये इधर जाते हैं। हम लोग पहुँच गए पांडव गुफा,
जिप्सी चलाने को नहीं मिलती क्या? बोल सकते हैं ये है भाई वो सर के सामने लगाओ ना इधर। यही सीन लोगों के साथ हुआ है जबरदस्ती का कुछ। और ये देखो ये जो सीन बना है ना ये काय का है, आगे क्या है कुछ नहीं है, तो यही से रिवर्स घुमाते गाड़ी। देखो गोल बना है वहाँ पे जैसे हम लोग घुमाए। मैं नहीं बोला मैं तो जाने चली। भूसा सुजुकी हाया भूसा हार्ले डेविडसन BMW MTV डबल का कैसे दो दिन जाओगे 200 रुपये लगेगा, एक आदमी जाएगा 150 रुपये लगेगा। कितने दूर तक चलाने? 500 मीटर जाना 500 मीटर आना बस। 1 किलोमीटर नहीं चलाना, 500 मीटर जाना, 1 किलोमीटर जाना 1 किलोमीटर आना। मज़ा कैसे आया और अपन आगे? वेल दोस्तों फोटो खींचोगे ऑरेंज कलर का? पांडव गुफा इस क्षेत्र की प्रसिद्ध 5 गुफाएं जिनके आधार पर ही पचमढ़ी का नाम हुआ है। ऐसी धारणाएं हैं कि पांडवों ने अपने वनवास के दौरान यहां कुछ गिराडन के साथ यहां सीढ़िया गुफा फलान ढिमकान कचरा गुफा नंबर 1 गुफली नंबर 1 किसी ने नाम लिखा है क्या? क्या अनी वर्सेस सुआ जो पहले गुफा खुली थी तब ऐसे काम करके जाते थे। ये खोद खोद के बनाई वाली है, सिटी भी उन्हीं ने बनाई है। खोदने के निशान डॉट 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 क्या है? ये जो वो होते ना औजार पांडवों ने ये खोद खोद के यहाँ पे ऐसा बनाई है। मतलब पहाड़ काट के कुछ निर्मित है कुछ ज़्यादा है। मतलब ऐसा था कि उनको गुफा मिल गई लेकिन कमरे जो है कम पड़ रहे थे तो उनने बढ़ा लिया ऐसा टाइप है। माय फ्रेंड गुफा नंबर 1 होते हुए हम जा रहे हैं 2 की तरफ जो और हमारी गन से फोटो आपको एलन फोटोग्राफी में मिल जाएंगी। तो ये को मैंने मना किया लेकिन भैया ने भी यहाँ वॉशरूम कर ये देख सकते हैं आपके यहाँ वॉशरूम करने से मैं मना कर रहा था लेकिन नहीं बोले सब लोग आके करे तो मैं भी करूँगा बोले। यहाँ पे पानी दिख रहा है यहाँ पे भी करे क्या यहाँ पे महक रहा है? दोस्तों नंबर 3 गुफा है ये और आओ ऊपर आओ। नंबर 1 अपन ने देखी थी, अपन ने नंबर 4 देखी थी, 3 देखी थी और देखी थी पहाड़। वैसे ही हमने 1 2 3 हाँ वो रह गई यार नीचे घूम के जाएंगे क्या गुफा मत जा। अरे गुफा देखने आए हो तो गुफा नहीं जाऊंगे। अरे गलत जगह से आ रहे हो। चलिए गुफा का सीन है क्या नंबर गुफा लिखती है? अरे ये गलत ये बाथरूम करके जाते हैं यार कौन है यार ये लोग गुफा के अंदर जाना ही बेकार हो जाता फिर पागलपंती कीड़े पड़े फोड़े पड़े उनको तो वहां पे भी देख रहे हो पेशाब करके जा रहे हैं यहाँ पे भी देख रहे हो पेशाब करके जा रहे हैं यार। प्रकृति से काय को खेलते यार जबरदस्ती खेल खिलवा करते हैं। अब नीचे उतर रहे हैं दोस्तों अब यहाँ से निकल रहे हैं हम। को थोड़ी बहुत पेड़ की वैरायटी दिखाता हूँ मैं जितना जानता हूँ उतनी वैरायटी में दिखा सकता हूँ। यहाँ से एंटर करें अपन ने और आपको दिखाते हैं चाटा कैक्टस। दूर से चलो दूर से चाटा कैक्टस चपटे कैक्टस है नाम तक के लिखे मतलब बहुत पुराने कैक्टस काटे तो पूरे गायब हो गए कैक्टस के पूरे कांटे गायब हो गए नाम लिखे तो बहुत पुराने गड्ढा कर उसमें नाम लिखे कई साल पुराने नकली तो नहीं है के देखते हैं। ऐसा निकल रहा है इसके अंदर
फूल है, मेरे को तो नीचे पड़ा मिला, मैंने उठाया नहीं। इसको अपन इसमें लगा देते हैं, काटे इसमें, काटे इसमें, काटे इसमें। जिसको दिख रहे हो वो काटे, देखो यार काटे। ए भैया ये चीज निकालते क्या? क्या? अरे ये कैसे हो? घुसेड़ मत देना एक आध। ये देखो ये वो ये कैक्टस का फूल पकड़ा था ना दोस्तों। आते हो तो ये फूल को मत तोड़ना, मैंने तो नीचे से उठाया था, मेरे काटे ही काटे लग गए, बहुत दिक्कत करता है। यहाँ से मैं निकल जाऊँगा क्या? वापस वहीं से जाना पड़ेगा। अरे कैक्टस लोग लोग नेटिव खेल रहे हैं यहाँ। आए फिर भैया हम लोग निकले फिर